यहाँ लीज़ा के फादर काफ़ी खुश होते हैं और लीज़ा को सरप्राइज़ करते हैं कि तुम ये न्यूज़ जो है जुनेद को तुम बताओगी, वो काफ़ी खुश हो जाएगा। अब यहाँ पे लीज़ा ये खुशखबरी जाएंगी जुनेद को बताने के लिए, लेकिन यहाँ जुनेद जो है फैरी से बात कर रहे होते हैं और उनको समझा रहे होते हैं। जुनेद बोलते हैं कि हार से हार ना मानो, हार के फिर जीत के दिखाओ, और यहाँ छोटी मोटी जीत से बंदा काफ़ी आगे निकल जाता है। और ये बात फैरी को समझ में आ जाती है और यहाँ फैरी के फादर एमो को बोलती है कि तुम्हें अगर लड़का पसंद नहीं है तो साफ इनकार कर दो, मैं तुम पे मुसल्लत करना नहीं चाहता। यहाँ पे फिर एमो की बात करवाई जाती है लड़के से। लड़का यहाँ पे काफ़ी इग्नोर करता है और मामू को बोलता है कि आप ही इनसे बात करें, मैं बात नहीं करूँगा। लीज़ा यहाँ पे खूब तैयार होकर आती है और जुनेद को बोलती है यहाँ पे कोई है तो नहीं, लेकिन यहाँ जुनेद बोलते हैं यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे फैरी इनके सामने होती है। फैरी फिर जैसे ही आती है तो यहाँ पे इनका मुँह उतर जाता है। लीज़ा जब यहाँ पे जुनेद को गुस्से से देखती है तो जुनेद इनको बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ लीज़ा फिर इनको बताती है कि तुम्हारी सिलेक्शन हो चुकी है, मेरे वालिद साहब ने बताया है कि तुम्हारी सिलेक्शन हो चुकी है और यहाँ पे प्रपोज भी करेंगी, और वालिद साहब बोल रहे हैं कि तुम जुनेद से बात करो, अगर वो रिश्ते के लिए तैयार होता है तो मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ और ये तुम दोनों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, तुम्हारे करियर के लिए भी। लेकिन यहाँ जुनेद साहब इनकार कर देंगे क्योंकि मुझे अभी पाकिस्तानी टीम के अंदर खेलना है और मेरे साथ साथ तुम्हें भी पाकिस्तानी टीम के अंदर खेलना है वुमेंस क्रिकेट के अंदर, तो तुम्हें भी करियर पर फोकस रखना चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।